मान लीजिए आपको दाल वड़ा खाना है तो उसके साथ आप दही नाले चटनी के साथ आप खा सकते हैं। अगर कुछ चीजें ऐसी ली जाती है, मान लीजिए ठंडी का मौसम है और उसमें आप और ठंडी चीजें खा रहे हैं, गर्मी का मौसम है उसमें आप और ज्यादा गर्म मसाले खा रहे हैं। नमस्कार, योगा आरोग्य चैनल में आप सबका स्वागत है। सभी हेल्दी रहना चाहते हैं, किसी को भी पसंद नहीं है कि उनके शरीर में बीमारियां हो। इसके लिए हम सभी हेल्दी डाइट लेते हैं, लेकिन हेल्दी डाइट लेते हुए भी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो शरीर में बीमारियां पैदा कर देती हैं। मान लीजिए आपने दो हेल्दी फूड आइटम लिए और वे दोनों ही पोषक तत्वों की दृष्टि से अगर देखा जाए दोनों ही बॉडी के लिए हेल्दी हैं, अच्छे हैं, लेकिन उनकी तासीर दोनों की ऑपोजिट है और उन दोनों को एक साथ खा लेते हैं, वे क्या करेंगे, शरीर में जाकर टॉक्सिन्स पैदा कर देंगे। उससे सबसे पहले मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, वे बॉडी में जाकर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होंगे और वे बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा कर देंगे। उससे क्या होगा, उससे शरीर में बीमारियां पैदा होने लगेंगी। इस तरह के जब फूड आइटम्स खाते हैं ये विरुद्ध आहार कहलाते हैं। विरुद्ध आहार कैसे हैं, क्योंकि इनकी तासीर एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसीलिए ऐसी तासीर वाले फूड आइटम्स को कभी भी एक साथ नहीं खाया जाता है। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको अकेले खाना होता है, अगर हम उनको अकेले खाते हैं तभी उसके पोषक तत्व, जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारी बॉडी को मिलते हैं और उसका फायदा होता है। लेकिन आजकल के लाइफस्टाइल को देखते हुए, पार्टीज में जाना, बाहर खाना खाना, होटल्स में जाना, बहुत सारे ऐसे खानों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है कि उसमें तासीर नहीं देखी जाती, टेस्ट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये सब भूल जाते हैं कि जब ये दो चीजें मिलेंगी तो ये क्या काम करेंगी। टेस्ट के चक्कर में अक्सर लोग ये जान नहीं पाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं कि ये खाना उन्हें फायदे की जगह नुकसान पहुंचा रहा है। इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि सब टेस्ट को देखते हैं, ये नहीं देखेंगे कि ये खाना किसी एंगल से उनको नुकसान भी पहुंचा रहा है। और इसी विरुद्ध आहार को इनकम्पैटिबल डाइट भी कहते हैं। और जब लंबे समय तक ये इनकम्पैटिबल डाइट लोग लेते हैं तो उसकी वजह से शरीर में बीमारियां बन जाती हैं और उनको पता भी नहीं लगता है कि उनके शरीर में बीमारियों का ये कारण है। स्किन पर किसी किसी को वाइट वाइट निशान हो जाते हैं, सोराइसिस, एक्जिमा, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये प्रॉब्लम की अगर जड़ में जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे तो इसका मेन कारण पता लगेगा कि ये दूध और नमक को या प्याज और दूध को एक साथ खाने से ये बीमारी होती है। लंबे समय तक इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है तब जाकर ये बीमारियां ठीक होती हैं। इनकम्पैटिबल डाइट लेते हैं तो ये बॉडी में स्लो पॉइजन का काम करते हैं, धीरे धीरे बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ाते रहते हैं और इनके द्वारा जो टॉक्सिन्स बढ़ते हैं वो जल्दी से बॉडी से बाहर निकल भी नहीं पाते हैं। इनकम्पैटिबल डाइट अगर लंबे समय तक ली जाती है तो वो उसके कारण शरीर में बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं वह डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद वह अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अगर हम उसको आसान भाषा में देखें तो उससे सप्त धातुओं का निर्माण होता है, जहां पर जिस चीज़ की जरूरत होती है वह वहां पर पहुंचना शुरू हो जाती है। अगर इनकम्पैटिबल डाइट ले रहे हैं तो यह प्रोसेस टूट जाता है, क्योंकि इनकम्पैटिबल डाइट में जो दो अलग अलग तासीर की चीज़ें हैं, जो फूड आइटम्स हैं अलग अलग तासीर वाले, वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देते हैं, उससे डाइजेशन भी डिस्टर्ब होता है और जो बॉडी का प्रोसेस है, सप्त धातुओं के बनने का जो प्रोसेस है, बॉडी को कौन सी चीज की, खाने से क्या क्या चीज चाहिए, वह प्रोसेस टूट जाता है और उसी से सप्त धातुओं का निर्माण जो हो रहा है, शरीर की जो ग्रोथ हो रही है, शरीर बन रहा है, वह भी होना रुक जाता है और उससे शरीर में बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब दो अलग अलग तासीर की फूड आइटम्स खाते हैं, अगर हम न्यूट्रिएंट्स को लेकर देखें कि दोनों के ही न्यूट्रिएंट्स अच्छे हैं, अब बात करते हैं तासीर की कि दोनों की तासीर बिल्कुल अलग है, तो क्या होगा, उसको खाने से एक भी फूड आइटम के न्यूट्रिएंट्स बॉडी को नहीं मिलेंगे। यही कारण होता है कि दो अलग अलग तासीर की चीजें एक साथ नहीं खाई जाती है, इसी को विरुद्ध आहार कहते हैं। पोषक तत्व नहीं मिलेंगे और उल्टा ये बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ाने का काम करेंगे और यही टॉक्सिन्स शरीर में फिर बीमारियां बनाते हैं। चलिए हम जान लेते हैं कौन कौन सी इनकम्पैटिबल डाइट की लिस्ट में आते हैं फूड आइटम्स हैं जिनको हमें साथ में लेने से बचना चाहिए।
कुछ लोग पतले होने के चक्कर में गर्म पानी में शहद डालकर पीते हैं, इससे बचना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी में अगर आप शहद डालकर पीते हैं तो इससे आपको स्किन एलर्जी हो सकती है, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और शहद खाने के बाद गर्म पानी भी ना पिए। उसके बाद आते हैं कुछ लोग ब्रेकफास्ट में, मान लीजिए नमक की चीजों के साथ दूध पी लेते हैं, उनको लगता है कि मैं ये डाइट लूंगा तो मुझे इससे एनर्जी मिलेगी, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अगर वो इन चीजों को खाएंगे तो उनको इससे प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए कभी भी दूध के साथ नमक, प्याज के साथ नमक नहीं खाना चाहिए, बॉडी में जाकर स्लो पॉइजन का काम करते हैं। कटहल के साथ दूध कभी नहीं लेना चाहिए, उड़द की दाल के साथ दही नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उड़द की दाल अपने आप में प्रोटीन रिच है। मान लीजिए आपको दाल वड़ा खाना है तो उसके साथ आप दही नाले चटनी के साथ आप खा सकते हैं। जो मूंग दाल वड़ा होता है उसको दही के साथ खाया जा सकता है। खीर और कढ़ी कभी साथ में ना खाएं, दूध और दही कभी साथ में ना खाएं। शहद और घी को कभी भी बराबर मात्रा में लेकर नहीं खाना चाहिए। शहद और घी को अगर आप बराबर मात्रा में लेकर खाते हैं तो वो बॉडी में जाकर स्लो पॉइजन का काम करता है। शहद और घी को लेने की एक परिस्थिति होती है कि इसको कब दिया जाता है। कभी भी गर्म और ठंडी चीजें साथ में नहीं खानी चाहिए। बच्चों ने गर्म खाना खाया उसके बाद तुरंत ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा लेते हैं, वो भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। जैसे आजकल बच्चे दूध में कोई भी फ्रूट्स डाला, उसकी स्मूदी बनाई या शेक बनाया और उसको लेना चाहते हैं, उसके ऊपर ऊपर से ठंडी आइसक्रीम डाल लेते हैं, ये भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें टेस्ट के लिए की जाती हैं, बॉडी की हेल्थ के लिए ये अच्छी नहीं होती हैं। मौसम के अकॉर्डिंग अगर कुछ चीजें ऐसी ली जाती हैं, मान लीजिए ठंडी का मौसम है और उसमें आप और ठंडी चीजें खा रहे हैं, गर्मी का मौसम है उसमें आप और ज्यादा गर्म मसाले खा रहे हैं, वो भी इनकम्पैटिबल डाइट की लिस्ट में आ जाता है। आपको भूख नहीं है और आप फिर भी खाना खाए जा रहे हैं, जिनको भूख लग रही है वो डाइट के चक्कर में खाना नहीं खा रहे हैं। अपनी बॉडी को समझिए, जब आपको भूख लगे तब आप खाना खाइए, जब आपकी बॉडी आपको अलाउ ना करे तब आपको खाना नहीं खाना चाहिए। कई आधार पर इनकम्पैटिबल डाइट को डिवाइड किया गया है। जैसे कुछ लोग ठंडी जगह पर रहते हैं और वे और ज्यादा ठंडा खाएंगे तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। जहां पर पानी की कमी है वहां पर अगर और ज्यादा ड्राई डाइट्स ली जाएंगी तो वो बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। जहां पर पानी बहुत ज्यादा होता है वहाँ की जो जलवायु होती है वो नम होती है, वहाँ के जलवायु में बहुत ज्यादा पानी होता है, मॉइस्चर होता है, वहाँ पर आपको डाइट लिक्विड ना लेकर थोड़ी ड्राई लेनी होती है। वो सब आपकी बॉडी आपको बताती है अगर आप अपनी बॉडी को अच्छे से एनालाइज करते हैं। दही में खीरा डालकर खाते हैं, ये भी इनकम्पैटिबल डाइट की लिस्ट में आता है। इनकम्पैटिबल डाइट की लिस्ट में 103 फूड आइटम्स आते हैं जिनको साथ में नहीं खाया जाता है। आपके मन में कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको इस चैनल पर ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नॉलेजफुल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, नमस्कार।